अरे आवाज नहीं करो, शांति से निकल जाओ। हाँ जी, ये मिसाल दिया जाता है जानवरों से, क्योंकि आज की दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जानवर मिसल हो चुके, परंतु उन जानवरों में भी कोई शेर है, कोई शेरनी है, कोई गधे हैं, कोई कुत्ते हैं, कोई सांप हैं। तो ये मिसाल दिया है कि शेरनी का दूध होगा, क्योंकि शेरनी शेर का संसर्ग करेगी या कुत्ता बिल्ले का संसर्ग करेगी, शेर का ही संसर्ग करेगी। तो ऐसी जो शेरनी होती है, पवित्र बुद्धि होती है, उनका जो ज्ञान का दूध है वो बहुत पावरफुल होता है। ये भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान जल दिया है, और वो ज्ञान जल जब मनन चिंतन मंथन के द्वारा और ही ज्यादा अमृत तुल्य बन जाता है, और शेरनी का दूध कहा जाता है, अर्थात कोई ज्ञान में शेरनी है, जिस शेरनी को शेर के सिवाय कोई हाथ लगा न सके। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों की भी बात है। ऐसी शेरनी के मुख से जो ज्ञान दूध निकलता है वो देह अभिमानी मिट्टी के पात्र में नहीं ठहरेगा। जो देह अभिमानी होंगे उनकी बुद्धि में से वो ज्ञान का दूध निकल जाएगा, उनकी बुद्धि रूपी पात्र को फोड़ देगा, जिनका सोने का पात्र होगा। सच्ची बुद्धि होगी, बाप को पूरा पूरा सच्चा पोता मिल देने वाले होंगे, बाप के साथ सच्चे होंगे तो सच्चे दिल पर साहब राजी होगा। वो दूध कामयाब बना रहेगा। बाकी जानवरों की बात नहीं है, जानवर बुद्धि मनुष्यों की बात है। बाबा पता कैसे चलेगा, ये लक्ष्मीनारायण बुद्धू है, ये लक्ष्मीनारायण समझदार है, स्वर्ग मेरी होती है, नरक की मेरी नहीं होती, कौन बोला? लक्ष्मी नारायण बुद्धू है तो इस जन्म में वो ज्ञान की गुह्य गति को समझ सकेंगे है? नहीं समझ सकेंगे। तो ब्रह्मा बाबा सतयुग के बुद्धू देवता बनेंगे, सतयुग के बुद्धू नारायण बनेंगे या बुद्धिमान नारायण बनेंगे विश्व के बादशाह, वो तो बुद्धू के बुद्धू ही बनते हैं। रायल बुद्धू बनते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान की गहराई ठहर नहीं सकी। अभी भी ब्रह्मा की सोल तो इसी दुनिया में है कि परमधामवासी हो गई, यही दुनिया में है, फिर भी ज्ञान का जो गहरा राज है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव बाबा है, ये अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता।
तो क्या कहेंगे? बुद्धू। और जिन बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है वो कहेंगे बुद्धिमान। जो इसी जन्म में अपनी सदगति कर लेते हैं, अगले जन्म की बात नहीं, भक्त लोग कहेंगे पुरुषार्थ करते रहो, कोई अगले जन्म में हम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। और ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं यही हम पढ़ाई पढ़ेंगे और यही हम नर से नारायण बनेंगे। अगले जन्म में प्राप्ति हुई तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। तो बुद्धिमान की निशानी है करके दिखाए। बुद्धि होगा, बुद्ध होगा तो अगले जन्म की बात मान लेगा। अरे यहां ना सही, अगले जन्म में मिल जाएगा। अरे इसी जन्म में प्राप्ति नहीं कर सके तो आगे क्या करेंगे? डॉक्टर भी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकील लोग वकालत पढ़ते हैं, इंजीनियर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। उन्हें कोई बुद्धू बनावे कि अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना, अगले जन्म में तुमको सर्जन बनाए देंगे, तो पढ़ेंगे क्या? कहेंगे हम इतने बुद्धू नहीं है। तो मुरली में जहां बोला है ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, तो कौन से लक्ष्मी नारायण को बोला? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को बोला या संगमयुगी लक्ष्मी नारायण को बोला? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को बोला। और जहां बोला ये लक्ष्मी नारायण तो विश्व के मालिक है, विश्व 500 करोड़ को कहा जाता है, तो 500-700 करोड़ के ऊपर कंट्रोलिंग करने वाले वो जरूर ज्ञान की गहराई को समझने वाले हैं, जिसके आधार पर सारे विश्व की बात चाहिए उनको प्राप्त होती है। और हिंसा के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर, प्यार से दुनिया की सभी आत्माएं उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। है? बहन? बहन भाई को राखी क्यों बांधती है? बाबा कहते हैं पुराने जमाने में ब्राह्मण जाकर के घर घर में राखी बांधते थे, ये भक्ति मार्ग की चलन थी सतो प्रधान स्टेज में। भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार है। जरूर संगम युग में बाप ने आकर के बच्चों को उठाया है, घर घर से उठाया है और उनको पवित्रता की राखी बांधी है। बाप जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे के रूप में आता है, इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मण घर घर में जाकर के राखी बांधता है। जब तमो प्रधान दुनिया कलयुग बनती है तो कन्याएं जाकर के भाइयों को राखी बांधने लग पड़ती है पैसे लेने के लिए, उसकी भी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में होती है। वो बहनें जाकर के घर घर में राखी बांधती है। क्या जिनको राखी बांधती हैं वो राखी बांधने से पवित्र बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। किस लिए बांधती हैं? पैसे लेने के लिए बांधती हैं। तो यहाँ की चलन संगम युग की चलन वहां कलयुग में भी चलती है और आज भी चल रही है कि बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। काहे के लिए? है? कुछ खर्ची पानी मिल जावे। कोई ने लिखा है बाबा मूत पिलाने का क्या अर्थ है? अरे देवताएं
संतान पैदा करते थे या नहीं करते थे? देवताएं भी संतान पैदा करते थे, और आज के विकारी मनुष्य भी संतान पैदा करते हैं। देवताएं जो संतान पैदा करते थे वो श्रेष्ठ इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से संतान पैदा करते थे। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का वाइब्रेशन ही निकलेगा या मूत निकलेगा? आज की सारी दुनिया में जो खेती होती है वो यूरिन से होती है, यूरिया डाली जाती है, उस यूरिया से अनाज में कीड़े पैदा हो रहे हैं, सब्जियों में कीड़े पैदा हो रहे हैं, फलों में कीड़े पैदा हो रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि कीड़ों से भर गई है, मनुष्य की बुद्धि में आज यही बात नहीं आ रही है कि सतयुग में देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा करते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों का मिलन होता है, भ्रष्ट इंद्रियों का मिलन नहीं होता। भ्रष्ट इंद्रिय को ही मूत्र इंद्रिय कहा जाता है, भ्रष्ट इंद्रिय से जो निकलता है उसे मूत ही कहा जाता है। इसलिए कोई कोई बाप बड़े खरे होते हैं, बच्चा आर्डर नहीं मानता है बाप का तो कहते हे मूत की औलाद, मेरा सामना करता है, ऐसे ऐसे डांट देते हैं, तो बच्चे को भी समझ में आता है कि ये हमारा बाप है और हम इसकी मूत की पैदाइश हैं। तो कहां सतयुग और कहां कलयुग, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। सतयुग में देवताएं कैसे बने, अमृत से बने या भिक्ष से बने? अमृत से बने, उसे कहा जाता है अमृत की औलाद। और आज की दुनिया है भिक्ष की औलाद। भिक्ष किसको कहा जाता है? भिक्ष कहा जाता है मूत को, और मूत में भी वैरायटी हो जाती है। एक होता है एक पति के साथ एक पत्नी का संसर्ग, और एक होता है एक पत्नी का अनेकों पतियों के साथ संसर्ग। तो अनेक पतियों का खून जब एक पत्नी में जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट संतान पैदा होगी या श्रेष्ठ संतान पैदा होगी? भ्रष्ट संतान पैदा होगी, उसे कहेंगे वैश्याले की औलाद। वैश्याले में मूत पीते, पीने और पिलाने का ही खेल चलता है। बाबा बनाते हैं श्रेष्ठता की औलाद। ये सतयुग की औलाद है देवताएं, उसे कहते हैं सत्य। ये सत्य सदैव रहता है। आज की दुनिया भले भ्रष्ट है परंतु बहुत ऐसी आत्माएं हैं जिनके अंदर सत्य का निवास है। अभी भी वो सतोप्रधान सनातन धर्म की आत्माएं परमधाम से उतरती रहती है, जिनके परिवार में अब विचार देखने को मिलता है। 10 बच्चे होंगे, 10 बहुएं होंगी, उनके बच्चे होंगे, सब आपस में बड़े कंट्रोल से रहते हैं। भिक्ष का नाम निशान नहीं देखने में आता। जहां विषैली दुनिया होती है वहां आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे वैश्याले में। परंतु वो परिवार बहुत बिरले देखने को मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप का मतलब बिल्कुल लोप नहीं होता। सारे भारतवर्ष में
बहुत ढूंढेंगे तो कहीं कहीं ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ 60-70 लोगों का भोजन एक ही चूल्हे पर बनता है, पूरा कंट्रोल रहता है परिवार के मुखिया का। हाँ जी, शादी बर्बादी करते हैं। हाँ जी, शादी का बर्बादी करते हैं। हाँ जी, उन्हें को शादी देने पैसा दे तो शादी देने से पाप नहीं लगेगा, ज्ञान में नहीं चलता है। ज्ञान में नहीं चलता है, बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है तो घर से निकाला जा सकता है। अगर बच्ची है ज्ञान में नहीं चलती है तो घर में से तो नहीं निकाल सकते, उस बच्ची की शादी करना ही अच्छा है, नहीं तो मुंह काला करके किसी के साथ भाग जाएगी। आप ज्ञान में चलते हैं, बुद्धि चलते नहीं है। आप ज्ञान में चलते हैं, बाप ज्ञान में नहीं चलते, बुद्धि ज्ञान में नहीं चलते। हाँ, तो उसको शादी देने से, तो शादी करा दो, पैसा देने से पाप नहीं लगेगा। क्यों पाप लगेगा? बच्चों का हक नहीं है माँ बाप की प्रॉपर्टी पर, है या नहीं है? है तो उसका उसका हक उसको दे दो। बीमारी कब तक रहेगा पूछ रहे हैं। हाँ, जब तक 100 गुना पाप का बोझ चढ़ाते रहेंगे तब तक ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये 100 गुना पाप का बोझ तब तक ही बढ़ेगा जब तक पूरा बाप को नहीं पहचाना है। बाप को पूरा पहचाना नहीं है तो पूरे डायरेक्शन पर चलेंगे नहीं, और डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो माया फटकावेगी। माया फटकावेगी तो उल्टे कर्म करेंगे, और उल्टे कर्म करेंगे तो कई गुना बोझ चढ़ेगा, 100 गुना बोझ चढ़ता है। भक्ति मार्ग में तो एक पाप का 1 गुना बोझ, और ज्ञान मार्ग में उसी पाप का 100 गुना बोझ चढ़ता है, क्योंकि बाप की अवज्ञा की। तो बताओ ये 100 गुना 100 गुना रोज चढ़ते चढ़ते कितना वजन आ जाएगा। इतना वजन आ जाता है कि ज्ञान सुनते सुनते सोने लग पड़ते हैं, बाबा से दृष्टि लेते लेते नींद आ जाती है। आपने बोला है, बाप ने नहीं बोला, किसने बोला? आपने बोला है कि रामकृष्ण भी माता गुरु बिना उद्धार नहीं कर सकते, रामकृष्ण वाली आत्माओं का भी माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो सकता। तो रुद्रमाला में जो माताएं कन्याएं हैं उन लोगों का माता गुरु कौन होगा? अरे रामकृष्ण का माता गुरु कौन होगा? होगा या नहीं होगा? कौन होगा? छोटी माँ और बड़ी माँ। तो जो छोटी माँ और बड़ी माँ रामकृष्ण की भी पवित्रता के मामले में माता गुरु बनती है, वो और माताओं की माता गुरु नहीं हो सकती? हो सकती है। बाबा विजयमाला की जो 2 लाख आत्माएं आवेंगी वो छोटी माँ के आने के बाद आएंगी या पहले आवेंगी?
पहले मुखिया आवेगा तब मातहत आवेंगे या मातहत पहले आ जावेंगे? पहले मुखिया आवेगा। मिसाल भी दिया है, शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, वो रानी उड़ती है तो पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। ये भी विजयमाला में छोटी मक्खियां हैं शहद की, छोटी माँ है ना, तो ये छोटी मक्खियां हैं जिनका शहद आंखों में लगाया जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। वो रानी उड़ती है तो सारा झाड़ उसके पीछे पीछे जाता है। तो पहले मुखिया निकले फिर बाद में फॉलोअर्स निकले। हाँ जी, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। और 76 से ही जिनका गिनती हो रही है, तो जिनका लौकिक जन्म 76 से पहले हुआ और अलौकिक जन्म 2000 के बाद हुआ, उनके लिए 40-50 वर्ष कैसे लागू होगा? क्योंकि आपने बोला है 2018 से 2028 तक, साढ़े 4 लाख हो जाएंगे, ऐसे बोला क्या? ऐसे तो नहीं बोला, ये बोला कि 2018 तक, उससे पहले भी हो सकता है 1-2 साल। सतो प्रधान बनने का सिलसिला शुरू होगा, जरूर शुरुआत पहले थोड़ों से होगी और उन थोड़ों में पहले राजाओं की गिनती होगी या पहले राजाओं के साथ साथ प्रजा की भी गिनती हो जाएगी? राजाओं की पहले गिनती होगी, वो ही सच्चे सच्चे पुरुषार्थी हैं राजयोग के। तो न राजवर्ग की आत्माओं के लिए ये खास बोला गया है सतो प्रधान से, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। जब राजाएं सतो प्रधान बने तो प्रजा को भी सतो प्रधान बनना पड़े, यथा राजा तथा प्रजा। बाकी बाद में आने वाली आत्माओं की तो बात ही नहीं। हाँ, बाद में भी अगर कोई आते हैं तो जरूर साबित होता है कि यज्ञ के आदि में भी वो रहे होंगे। यज्ञ के आदि का पुरुषार्थ बाद में जन्म लेने के बावजूद भी उनका ऐड हो जाएगा और वो लास्ट में आने पर भी फास्ट चले जावेंगे और राजाई की कोर्ट में आ जावेंगे। हाँ जी, आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति, जो आत्मा को उर्दू में कहते हैं रूह, अंग्रेजी में कहते हैं सोल। वृत्ति माने सोल कॉन्शसनेस, आत्मिक वृत्ति। रूह के लिए कहते हैं रूहानियत, रूहानी वृत्ति। शब्द अलग अलग हैं अलग अलग भाषाओं के।
अर्थ एक ही है। और बाबा सृष्टि चक्र झाल और श्री के चित्रों में बीच में जो नीला रंग देखा गया है ना, नीला रंग, वो नीला रंग को तात्पर्य क्या है? सृष्टि चक्र बीच में देखा था, बैकग्राउंड में नीला रंग देखा गया। नीला रंग हो चाहे काला रंग हो चाहे हरा रंग हो, ये तीनों प्रकार के रंग विषैले रंग माने जाते हैं। विष का रंग इन तीन प्रकार से देखने में आता है, इसलिए वो बीच द्वापर युग में दिखाया जाता है। लेकिन सृष्टि चक्र पूरा राउंड में ही है, बैकग्राउंड में नीला रंग दिखाता है, सतयुग में नीला और काला नहीं होता है। सतयुग में तो बसंत ऋतु होती है सदैव। बसंत ऋतु में कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। जहाँ देखो वहाँ पीले 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 फूल खिले हुए हैं। साइड में पूरा जो नीला रंग दिखाता है, साइड में ब्लूइश कलर जो दिखाते है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक ये ब्लूइश, जैसे जैसे लगता है सागर का, सागर का ना दिखाते है। सागर तो माफी दिखाते है जो श्री चित्र है ना लहर, साइड में पूरा नीला रंग दिखाता है, वो भी एक विषय। अरे आज से अंत तक 5000 वर्ष के ड्रामा में कौन सा ऐसा देश है जो नीले नीले सागर के बीच में रहता है? एक भारत ही है, तो भारत की हिस्ट्री दिखाई गई है। और अपने बोले हुए कि जो सर चल रहा था आत्मा में, आप जो ज्ञान में नहीं चलती है, वो बाद में पूरा परिवार आ जाएंगे, तो कब तक आ जाएंगे? जब आवाज निकलेगा कि हमारा बाप आ गया है, हर एक के मुख से आवाज निकलेगा हमारा बाप आ गया, तो जो एडवांस में चलने वाले हैं, जिन एडवांस में चलने वाले भातियों को उनके परिवार वालों ने अभी तक भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह लात मार करके उनको घर से बाहर नहीं किया है, अपने घर में ही रखना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा प्यार है या तथाकथित ब्राह्मणों को ज्यादा प्यार है? किसके अंदर ज्यादा प्यार है? हैं? लौकिक संबंधियों के अंदर आज भी ज्यादा प्यार है एडवांस वाले भांतियों के प्रति। इससे साबित होता है कि 5000 वर्ष पहले का वो प्यार अभी भी उनके अंदर कायम है, और वो ही प्यार जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो उन बच्चों को बाप की पहचान पक्की हो जाएगी। अभी भले कितना भी एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, बाद में वो ही परिवार के भांति हमारा जितना सहयोग करेंगे उतना दुनिया में और कोई सहयोगी नहीं बनेंगे। और बाबा कोई कहते हैं यो बाबा का क्लास सुना हमको, ज्ञान में नहीं चलता, उस दिन बाद हम ज्ञान में चलेंगे। थोड़े दिन सुनने को तो अच्छा है ना बुरा है? तो ठीक है, सुनाओ उनको, उनको अच्छा लगता है तो उनको सुनाते रहो। सुनते सुनते कभी कोई पॉइंट ऐसा बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो अपने को नहीं रोक पाएंगे, तो आ जाएंगे। नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो चलेगा कैसे? वो अज्ञानी है, तब तक कुछ भी करें
जब उनकी बुद्धि में बाप का परिचय बैठ जाएगा, भगवान भगवान आया हुआ है, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कलकत्ते में रहने, बंगाल में रहने वाले तो सब मछलियां खाते थे पहले, अज्ञान में रहने टाइम क्या करते थे क्या नहीं करते थे उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान में आने के बाद, बाप की पहचान होने के बाद, फिर ये धारणाएं शुरू होती है। और बाबा तो जो पॉइंट लिखा है ना, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट बाबा ने बताया था। कौन सा चीज है? 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट जो बाप को प्रत्यक्ष करने नहीं है। बाप को प्रत्यक्ष करने का 1 पॉइंट, ये बाप को प्रत्यक्ष करने के पॉइंट नहीं है, ये तो बाप के ज्ञान के खास 5 पॉइंट हैं, 5-6। हाँ जी, वो बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। तो वो पॉइंट जो है ना, वो जो छपाया है, उसको बोर्ड लगा के खड़ा सकता है क्या? और काहे के लिए बताइए? तो वो जो चित्र बनाया लक्ष्मी नारायण का चित्र में बताया है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के फीचर्स नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि सतयुग में कितने नारायण होंगे? 8 नारायण होंगे। 8 नारायण के 8 प्रकार के फीचर्स होंगे या एक ही फीचर चलता रहेगा? 8 फीचर्स होंगे। वो 8 लक्ष्मी नारायण के फीचर्स अलग अलग धर्मावलंबियों के साबित होंगे, या देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के लक्ष्मी नारायण हैं उनके साबित होंगे? हाँ, तो जो अलग अलग हैं वो फीचर्स नहीं डालने चाहिए, हमको वही फीचर्स डालने हैं जो बाबा ने साक्षात्कार के आधार पर तैयार कराए थे। अगर दूसरे फीचर्स डालते हैं तो हम उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो वो चित्र बनाया, वो उसकी ऊपर रखा है, नीचे भी लक्ष्मी नारायण चित्र है, वो जो कंप्यूटर में छपाया ना, वो तो 5-6 पॉइंट भी है और वो चित्र भी है। हाँ। वो उसको लेके गया था, तो सेंटर में दिया था, तो मैंने कोई भाई तो उसमें उसको ब्राह्मण परिवार में मत बांटो, नहीं तो सबकी बुद्धि में वो बेधर्मी लक्ष्मी नारायण बैठ जाएंगे। हाँ, ये जनरल पब्लिक में इधर तो चौराहों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर टांग दो। बांग्ला में लिखा है, इतना बड़ा बड़ा, जितना भी बड़ा बनाओ, तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे उतना बड़ा बना दोगे। वो बांग्ला में लिखा है। अब बांग्ला में क्या है? बांग्ला में तो बांग्ला ही चलेगी ना। तो इसलिए हम पूछा था सेंटर में, जो बाबा को नहीं बता के खड़ा नहीं, इसलिए हम खड़ा ही नहीं। बाबा को बता के फिर खड़ा करो, परमिशन लेके। तो मैंने छपाने से पहले पूछा कि ये चित्र छपाए या नहीं छपाए। हम छपाए नहीं, छपा तो लिए ना, हम छपाए नहीं, इधर से खोज करके ले। है कोई भाई छपाया था उसके पास से ले लिया, हम छपाए नहीं। तो वो लगा सकते बाबा? वो जनरल पब्लिक के लिए लगाओ, लेकिन ब्राह्मणों के परिवार में, उनके घरों में ये चित्र नहीं लगाए जाने चाहिए। ये तो विधर्मी ब्रह्मा कुमार हैं जिन्होंने दूसरे दूसरे फीचर्स छाप दिए हैं लक्ष्मी नारायण के, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, इसलिए वो दूसरे ही फीचर्स छापेंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो तो ओरिजिनल चित्रों को ही छापेंगे और उनके फीचर्स कभी नहीं बदलेंगे, जब तक प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता संसार में न हो जाए। और बोल रहा है सृष्टि एवं सृष्टि से, सृष्टि एवं जोगवर्ष से सृष्टि हो गया, कैसे बनता है? सतयुग में दृष्टि से सृष्टि बनेगी, सतयुग में कैसे बनेगा?
क्या कैसे बनता? साइंस 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 विज्ञान कैसे बनता? उत्तर युग में हिस्ट्री एवं जोगबल से सृष्टि हो गया। हाँ विज्ञान साइंस ये बारे में साइंस क्या बोलता है? क्या बोलता था ये साइंस क्या बोलता है? अरे साइंस को छोड़ो, प्रैक्टिकल देखो। पपीता का वृक्ष होता है, नर और मादा दोनों प्रकार का होता है। नर में सिर्फ फूल ही फूल आते हैं और मादा जो वृक्ष है वो फल देती है। अगर मादा यहां और नर वृक्ष 2-4 किलोमीटर दूर भी है तो वहां से अपना वाइब्रेशन खींच लेती है, पराग खींच लेती है और उसमें फल पैदा हो जाता है। तो आंखों की तो बात ही छोड़ दो, आंखों की संतान दृष्टि के आधार पर तो सतयुग में पैदाइश होगी, वो फिर भी स्थूल पैदाइश है। संगम युग में तो दृष्टि भी नहीं होगी। प्रमाण के लिए लक्ष्मीनारायण का चित्र देख लो, लक्ष्मीनारायण एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, वाइब्रेशन से ही संतान पैदा करेंगे। इतनी वाइब्रेशन में पावर होगी। वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन करेंगे। सत्युग में तो नीचे गिरेंगे, तब दृष्टि से संतान पैदा होगी। और उसका प्रूफ है मोर। मोर मोरनी मूत की पैदाइश नहीं करते हैं, वो दृष्टि से पैदाइश होती है। मोर नाचता है तो नाचते समय वो अपने पांव देख लेता है तो आंख में से आंसू निकल पड़ता है। मोरनी वो आंसू पी लेती है और उसी से गर्व रह जाता है। इतना सीधा साधा मिसाल दिया हुआ है। वैज्ञानिकों की बात कौन माने? आज का वैज्ञानिक कल का वैज्ञानिक कहता है डार्विन थ्योरी। मनुष्य बंदरों की औलाद है, बाद में बंदरों की धीरे धीरे पूंछ मिट गई, वो मनुष्य बन गया। आज का वैज्ञानिक कहता है डार्विन थ्योरी झूठी। तो मनुष्य तो एक दूसरे को झूठा ठहराते रहते हैं। मनुष्य तो है ही झूठे। झूठे होने के कारण दूसरे दूसरे ग्रहों पर जाकर के वो मनुष्य सृष्टि देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि पृथ्वी पर ही सूर्य की थोड़ी दूरी ज्यादा हो जाने से जीव जंतु नहीं रहते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां कोई भी जीव जंतु नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी हो गई। सूर्य से उचित दूरी होने पर ही जीव जंतु होते हैं। तो और दूसरे ग्रह उपग्रह जहां वैज्ञानिक जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लाट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी भारी मूर्खता है। विज्ञान के चमत्कार आज की दुनिया के बड़े बड़े साहूकारों को फायदा दे रहे हैं, जिनकी संख्या 20-25% से ज्यादा नहीं है दुनिया में। 75% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी में पलते हैं। ये विज्ञान के चमत्कार उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी भी। इंडिया में एडवर्टाइजमेंट तो बहुत करते हैं, गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। कितनी देर के लिए पहुंचती है और कितने वोल्टेज में पहुंचती है तो कोई नहीं देखता।
सतयुग में चांद नहीं निकलेगा, चांद निकलेगा नहीं। अरे ये चंद्रमा तो घटता है और बढ़ता है, चंद्रमा पृथ्वी की औलाद है, इसलिए ये पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और उसका उपग्रह चंद्रमा है। उसका टूटा हुआ हिस्सा होने के कारण पृथ्वी के आकर्षण से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब बड़ा विनाश होगा तो चंद्रमा का सारा हिस्सा प्रशांत महासागर में ऐड हो जाएगा और सारी पृथ्वी सागर के जल से भर जाएगी। भारत का ही थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। एक ही द्वीप बचेगा, जम्बू द्वीप। वो जम्मू शहर आज भी उसकी यादगार है, जम्मू कश्मीर। चंद्रमा को देखने की वहां बात ही नहीं, रोशनी देने वाले के रूप में एक को देखेंगे या अनेकों को देखेंगे? एक को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां रात होगी ही नहीं जो सितारे दिखाई पड़े। ये तो रावण राज्य की दुनिया में सितारों का प्रभाव हो जाता है। तो सितारे दिखाई पड़ते हैं, उनकी रोशनी से लोग प्रभावित होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कहे जाते थे उनसे लोग प्रभावित होने लगे। भगवान को लोग भूल गए और दीदी दादी दादाओं के पीछे पड़ गए, सितारों की प्रत्यक्षता होने लगी। ये ब्रह्मा की रात है, जब ब्रह्मा का दिन होगा तो समय न चंद्रमा रहेगा, न राका रहेगा, न राकापति रहेगा। सितारे भी नहीं होंगे, रात भी नहीं होगी और चंद्रमा भी नहीं होगा। वो तो कृष्ण बन गया ना, ब्रह्मा नाम कहाँ रह गया? सोलह कला संपूर्ण बन गया। कृष्ण की तो पूजा होती है, ब्रह्मा की कहाँ पूजा होती है? कहाँ मंदिर बनते हैं, कहाँ मूर्तियां बनती हैं? आपने बताया कि भारत का एक छोटा सा ध्वज है जम्मू कश्मीर के बाद में कोई हाथ में कोई जम्मू दीप है बाबा? हाथ में का जम्मू दीप कहाँ बाबा? ये भारत ही जम्मू द्वीप होता है, दक्षिण का हिस्सा जो समंदर से घिरा हुआ है। समंदर जहाँ किनारे किनारे है वो सब समंदर में डूब जाएगा। उत्तर भारत का ही थोड़ा हिस्सा बचेगा। भारत को तो पुराना नाम बाबा जम्मू द्वीप ही बोलते हैं, भारत को पुराना नाम जम्मू द्वीप बोलते हैं। हाँ? जम्मू द्वीप एक्चुअली है क्या बड़ी? जम्मू द्वीप क्या उत्तर भारत में ये अपना उत्तर प्रदेश में क्यों कहीं है? बताया तो यादगार में आज भी जम्मू नाम चल रहा है, जम्मू कश्मीर। चित्रगुप्त धर्मराज से लेकर है
भक्ति मार्ग में कहते हैं कि धर्मराज का सारा चौपड़ा चित्रगुप्त तैयार करता है, उसका चित्र नहीं है, गुप्त रूप में पाठ बजाने वाला है। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है जिसके पास एक एक का लेखा जोखा रहता है। और बाणमय जंगल में आखिर है क्या यार, अभी तक मन वाणी ब्रह्मा का स्रोत रहता है। बड़ा जंगल में आखिर ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक लोग वहां जाने से डरते हैं? जो विज्ञान के बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो सभी बीमारियों का निदान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि 50% बीमारियां भूत प्रेतों के प्रभाव से चल रही है जिनका निदान डॉक्टरों के पास नहीं है। कहते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मरीज भले तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, कहते हैं मन का फितूर है। वो मन का फितूर नहीं होता है, वास्तव में भूत प्रेतों का प्रभाव होता है। आगे चल करके ये बीमारियां और ज्यादा तादाद में बढ़ेंगी, क्योंकि ढेर की ढेर तादाद में मनुष्यों की अकाले मौत होगी। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें गिरेंगी, कितने धराशायी हो जाएंगे बिल्डिंगों के साथ, कितनों की अकाले मौत होगी। ये अकाले मौत पाने वाले सारे भूत प्रेत बनेंगे। जिंदा रहते भी दुखदाई हैं और मरने के बाद तो उनका अपना शरीर ही नहीं है, शरीर के बंधन से भी परे हैं, तो कितने दुखदाई हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, अभी से प्रैक्टिस करना है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। जिनकी स्मृति पटल पर ज्योतिबिंदु आत्मा की स्मृति नहीं होगी उसी समय उनको भूत पकड़ लेगा। आत्मा की स्मृति नहीं है, माना देहाभिमान है, और देहाभिमान को पकड़ लेगा। एक बार पकड़ में आ गए तो वो तंग करता रहेगा। मुसलमान लोग आज त्योहार है बाबा, कुछ अपने पति के लिए वो लोग ये करते हैं मन्नत, वो क्या क्या है वो कुछ है। तीज, तीज, बाबा ने तो बोल दिया है ना, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, एक ही कथा तो है। तीसरा नेत्र खुलने की कथा है, तिजरी की कथा जो कन्याएं बहुत मनाती हैं। तीसरा नेत्र खुलता है तो तीसरा नेत्र कौन से देवता का गाया हुआ है? शंकर का गाया हुआ है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलाया माना काम तमाम हो गया, स्थापना भी हो गई, पालना भी शुरू हो गई और विनाश भी हो गया, नई दुनिया की शुरुआत हो गई। कन्याओं में जो कन्याएं तीजरी की कथा विशेष मनाती हैं, ऐसे तो माताएं भी मनाती हैं, लेकिन कन्याओं में विशेष कन्या कौन सी है जो गाई हुई है?
जिसके आधार पर ये तीजरी की कथा चलती है। अरे कौन सी है? कन्याकुमारी। दो ही कन्याएं तो बताई हैं, एक कन्याकुमारी और दूसरी अधर कुमारी। अधर कुमारी है जगदम्बा और कन्याकुमारी है भारत माता। तो भाग्य खुल जाने वाली, भाग्य का लेख सुधारने वाली माता है, इसलिए आज भी गायन चलता है। और बाबा, एक गांव में उसका क्लास करने में कोई उपाय नहीं पाएगा, कोई स्थान नहीं पकड़ेगा। क्यों, उनका घर नहीं अपना? घर है तो एक भाई चाहते हैं उनका घर में करते हुए। वो बच्चा शादी करके आया, वो पति करके गया, वो जानते नहीं है। अरे 10-12 लोग भट्टी करके आए तो उनमें कोई विधवा माता है? विधवा माता भी नहीं है। वो भाई का वो ज्ञान में नहीं चला, बेसिक ज्ञान में चला। हाँ। तो वो सहयोगी है। हाँ। खान पान शुद्ध है। हाँ। उनका घर में भी खान पान शुद्ध। हाँ। बच्चा बाहर में करता है। हाँ। वो उनका घर में क्लास, जब सहयोगी है तो उनके घर में क्लास करो। चाहते हैं करो, चाहते है कि वो वाला करके बहुत भाई ने बोला तुमका घर में योग करो। हाँ। हमारा घर में क्लास करो, हम सुनेगा। ठीक है, करेगा तो करने दो। जब तक कोई युगल नहीं निकलता है तब तक उनके घर में क्लास होने दो। और क्लास कराना कहाँ है, यहाँ तो सारा क्लास बाबा खुद ही करा लेता है। टीवी में ही तो देखना है, टैप रिकॉर्डर ही तो सुनना है, स्विच घुमाया वो कोई भी घुमा दे। कोर्स में 60 साल का संगम युग, राजधानी स्थापन होने के लिए बताया गया है। तो ये पीरियड कब से कब तक है? क्योंकि 76 से 28 ये 50 साल तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए है, ये राज परिवार के लिए है, ये सारी दुनिया के लिए है। राज परिवार की आत्माएं राजयोग सीखती हैं या सारी दुनिया राजयोग सीखती है? राज परिवार की आत्मा राजयोग सीखती है। तो 28 तक हुआ 50 साल, आगे 10 साल और जोड़ दो तो क्या आया? यथा राजा तथा प्रजा भी तो चाहिए। प्रजा को सतो प्रधान नहीं बनना है क्या? तो प्रजा बाद में सतो प्रधान बनेगी या राजाओं के साथ ही साथ सतो प्रधान बनेगी? बाद में बनेगी। इसलिए 100 साल संगम का बताया है टोटल, ज्यादा में ज्यादा। पूरी राजधानी तुम्हारी स्थापन होती है 4.5 लाख की, और 100 साल पूरे होंगे और पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरा टोटल विनाश भी हो जाएगा दुनिया का। विकारी को संपन्न नहीं बना सकते, अविद्वानी का काम। विकारी को संपन्न नहीं बना सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते बाबा। विकारियों को ही तो निर्विकारी बनाने के लिए आता है, पतितों को ही तो पावन बनाने के लिए बाबा आता है। तो ऐसे कह सकते, कैसे कह सकते?
कि विकारियों को निर्विकारी नहीं बना सकते है? विकारियों को क्यों नहीं बना सकते? विकारी पतित को कहा जाता है, पतितों को ही शिव बाबा आकर के पावन बनाता है।